हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल धूप चौक विद मलिक फैमिली। मलिक फैमिली की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रिया, अंजलि, मीशु उठती नहीं है। अंकिता ने भी मना कर दिया, कहती सर्दियों में तो मैं सोऊंगी जी भर कर। ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। और इसलिए हैप्पी दिवाली मौसी। हैप्पी दिवाली। अच्छा ये बताना, ये जो है गोवर्धन आज क्यों मनाते हैं? गोवर्धन वैसे तो कल का बता रहे हैं। और मारा गलिया करा है, मारा मौसना गलिया करा है ये गोवर्धन दिन। अच्छा बताओ। और ब्राह्मण बनिया का गला है पिड़वा ना, पिड़वा कल। अच्छा हाँ, सेम टू यू। गाइस, मेरे ससुराल में दिवाली थोड़ा सा अलग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, मतलब यहाँ हरियाणा में। और जिस दिन वो होता है अमावस्या होती है, उसी दिन यहाँ पर वो गोवर्धन भी सेलिब्रेट होता है, और उसी में लक्ष्मी पूजा भी उसी के अंदर ही इंक्लूड होती है। और इसलिए हम यहाँ पर गए थे, ये पार्क है, यहाँ हम गए तीर्थ महाराज है। यहाँ पर जो है पूजा करने के लिए हम सारे देवरंग बिठाने गए। पूजा क्या मतलब कि जैसे दीपक होता है तो हर जगह पर जलाया जाता है और वहाँ पर खील रखी जाती है, तो इसी तरीके से सब लोग इसी तरीके से करने के लिए आ रखे थे। और ये सारे जैसे मौसी हैं और भी जैसे ताई हैं, उनकी बहू हैं, तो हम सारे वो उनके बच्चे वगैरह हम सब गए थे धोख मारने के लिए। धोख मारना मीन्स पूजा करना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पर ही जब भी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, कोई फेस्टिवल वगैरह, तो यहाँ पर ऐसे पूजा करने के लिए आया जाता है। तो देखो इतना वैसे दिवाली नहीं लग रही होगी जिस तरीके से यहाँ पर देखने से लग रहा है कि कितने सारे दीपक जले हुए हैं और सब लोगों ने ऐसे खील वगैरह चढ़ाई हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर मंदिर वगैरह बने हुए हैं, जैसे कि हम लोग दिल्ली में या फिर और भी जगहों पर देखा है मैंने कि भाई चौकी वगैरह लगाकर पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और लेकिन फिर भी मैंने बोला कि भाई मेरे मतलब मुझे तो इसमें कुछ वो लगा नहीं, तो मैंने कहा मुझे तो चौकी लगाने का वो है। तो फिर मेरी सासू माँ ने बोल दिया था, तो हमने चौकी भी लगाई थी और जो इनका ट्रेडिशनल है उसके अकॉर्डिंग भी हमने पूजा की। और इन्होंने मेरे हिसाब से की, मैंने इनके हिसाब से की, क्योंकि अब आगे पता नहीं। बाकी वैसे उसी तरीके से थोड़ा सा ये होता है। हाँ भी लक्ष्मी पूजा का एक जो मैं आज तक मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पर करते आए हैं, तो वो ही मुझे मतलब माइंड में वही रहता है। तो अभी यहाँ पर है वो भी किया जिस तरीके से मेरी सास। दूसरे दिवे में जला लो, दूसरे दिवे में तो लगा लो, लगा लेते हैं ऐसे। हाँ जो कर अपने मैचेस ना ले रहे हो तो दूसरे दिवे में तो लगा लो। नान ग्रह बना हुआ है और हम तो यहाँ पर वही दीपक लगाने के लिए आए थे। हमने सब जगह दीपक लगाए, जहाँ जहाँ का पॉसिबल था वहाँ के वीडियोस बनाए हैं और दिखाते हैं साथ में आपको। अब पता नहीं, शुरू से यहाँ पर कर रहे हैं तो फिर मैंने भी कर दिया जो मुझे बताया गया था कि यहाँ पर बच गई। साथी फेस दिखाइए। पानी भी अड़ता, पानी भी कर दीछी उसकी बना जूम करके भाई बीते तो मैं क्या थोड़ी तू गड्डो घुमा दे भारत भारत गाइस, ये रानी का कुआं देखो। यहाँ से पहले पिछले मतलब पीछे वाले जमाने में ना यहाँ से पानी लेके जाते थे। और ये है रानी का कुआ, और यहाँ पे यहाँ पे गाय खड़ी है। रानी यहाँ पे यहाँ से पानी भर के लेके जाती थी रानी।
कहाँ पे लेके जाती थी? और उधर वो लोग आई है ना, जो वो गीत गा रही है सभी बैठ के। यद से दीपक जलाकर हम लोग अब वापस आ रहे थे, और रास्ते में ये पार्क पड़ता है जहाँ पर कुछ लेडीज बैठकर लोग गीत गा रही थी। दादी शुभकामनाएं। अब दादी मेरी सासू माँ ने वो जो बड़ा सा चूल्हा होता है, बड़ी कढ़ाई, उसको दूध रख दिया था बनने के लिए मिठाई, क्योंकि घर पर ही बनाई थी, और इसमें से मिठाई मेरे घर के लिए भी बनाई है दिवाली पर। और अब चाची बना रही है छोले की सब्जी। गाइस मैं बना रही हूँ छोले, और आपको, और आज है दिवाली, और जो यहाँ पर तीरथ होता है उसमें हम दीपक लगा के आ चुके हैं, और फिर उसके बाद अब छोले बनाते हैं ताकि खाना भी बनाना है। और अभी यहाँ पर जिस तरीके से होता है वो तो हो चुका है, बाकी मुझे चौकी लगानी है माता लक्ष्मी की, फिर वो लगाऊंगी। बस पहले छोले रख देती हूँ उबलने, उसको पहले चौकी लगाऊंगी और फिर बाद में करूँगी और कोई काम। रंगोली भी बनानी है, रंगोली बनाने का भी टाइम नहीं मिला। चलो फिर मिलते हैं, अभी थोड़ा सा बिजी है। देखो गाइस, चाची ने लक्ष्मी के, चाची ने लक्ष्मी के पैर यहाँ रख दिए, अच्छे लग रहे हैं, मंदिर में रखेंगे। इनकी असली जगह तो मंदिर में है। बंद कर दिया मन तो। नीचे आ गया है रोमित। रोमित हेलो कर दे। बंद करने की तो कह रही हूँ, बंद कर दिया। रोमित हेलो कर दे। हेलो, बाय बाय नहीं करना, हेलो हेलो। अच्छा हमारे यहाँ पे क्या बना रहे हैं? गोवर्धन डंडे का यूज तो पता है, माँ को पता होगा। गाइज हम जो यहाँ पर हरियाणा में जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो रिचुअल कर रहे हैं, और इसमें है कि जिस दिन गोवर्धन वो होती है ना लक्ष्मी पूजा यानी कि अमावस, उसी दिन यहाँ पर हरियाणा में गोवर्धन पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं। तो दिखाते हैं फिर आपको, लाई हूँ मैं ममा चिस्मा लो। डिब्बी में अमा सिंदूर, डिब्बी उठवा लो, डिब्बी है वो सिंदूर की लालची, उठा ला मंदिर में से। दूसरी थाली है, इसमें चिकने हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। क्या उसकी पूजा करनी थी क्या? मैंने तो लक्ष्मी जी के आज फिर वो है लक्ष्मी जी के पैर हैं और फूल है। और क्या खील बता से रख ले, बेटे की मिठाई गाल दे सारी, ये भर दे, ये रही है कटोरी वाली, भर दो अपनी मारना की करना फिर इसका पानी अंदर ले, इसमें हां ना पानी घाल लो, पूजा हो जाएगी इसकी। वो तो मैंने लक्ष्मी के पैर रख दिए उसमें, ये लुटिया भी चोबेगी मेरी नानी ने, और ले ऊपर लुटिया क्या है, तो और इसको चुक गिलास पानी का हो गया, और के वो चुकर द फिर एक गिलास में तो गिलास में पहले ले ली। वडंडी भी लेनी है मम्मी से, वडंडी तो लिया, ये तो पटाखे फोड़ने लगे पड़े। पटाखा मोमबत्ती ला दी ऑर्डर देना।
ओए रोबी कोकिन पकड़ा दी कोकिन दे दे यो चले रवि यो फोन का तो संदीप ने पकड़ा अरे रखना और है जहां भी रखना हो रख लेना और आना है जा तू इस कांड के दर्द में दे रे वीडियो बनाना कैमरा मुंह करके कोई ये मेरा बिल्कुल ओए सुना के नु नमो करके उरला का ना कड़े जाओ ऐसे वो कटोरी मांग दी हाँ माँ वो कटोरी धो दी ये खाली था मैंने इसी में डाल दिया फिर सारा चल जाते नोट टीका लगाएंगे है चल जाते नोट अच्छा दिल्ली में तो मना कर देते नोट लगावा नहीं चले बड़ा सा ला दो इसके अब हाँ तो एक जना तो लाठी ले लो एक जना मुसल ले लो बुलाना चाहिए तो किसी को आओ पकड़ो इसे और उसको सारे कर दे न्याड़े रख रहा हूँ रखने कर दे ओह इतना तो खाओगा एक चक्कर होता है माँ हाँ एक चक्कर होता है हाँ ये अठारे पूरा झाड़ा गोवर्धन पूजा संपन्न हुई फिर हमने लक्ष्मी जी की जो मैंने चौकी लगाई थी उसमें फिर ज्योत जलाई और दोनों साइड एक साइड लक्ष्मी जी के चरण रखे थे और एक साइड में ऐसे दीपक जला कर रखे और मेरी सासू माँ ने उसमें दक्षिणा रखी चरणों में माँ के और मैंने रंगोली बनाई छोटी सी इसलिए बनाई क्योंकि टाइम ही नहीं था उसके बाद दोनों टेबल्स पर दीपक जलाए जो सोफे वाला टेबल है उस पर भी और डाइनिंग टेबल पर भी फूल लगाकर मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे
उसके बाद हमने जो छत पर रंगोली बनाई थी उस पर भी दीपक जलाए और चारों तरफ मोमबत्तियाँ लगाई। और ये दीपक जो है मैंने कुछ कलर किए थे क्योंकि मुझे रंगोली में थोड़े कलर वाले दिए रखने थे और कुछ ये छोटे छोटे से मटके मिल रहे थे और इन मटकों को भी अलग अलग रंगों से कलर किया। और मेरे पास, मैंने आपको बताया था मेरे पास कांच के जो कटिंग होती है वो नहीं थे, अगर वो होते तो मैं वो भी लगाती। रंगोली बढ़िया लग रही है। हाँ नहीं, ये वाइट वाली है। हमने फिर अचानक ही दियों से सोचा कि हम पहले तो ओम बना रहे थे, फिर ओम थोड़ा सा बनाने में टेढ़ा मेढ़ा बनता कैसे, तो फिर मैंने बोला कि विम सत्या बना लेते हैं, वो थोड़ा जीली बन जाएगा जल्दी से। फिर हमने ऐसे पहले हमने दिए लगा दिए थे, फिर उसके बाद कैंडल्स उनको एक एक कर जलाते चले गए और वो कंप्लीट हो गया। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना और वीडियो कैसा लगा दिवाली का उसके लिए भी लाइक करना और बताना आप हमें कि आप कमेंट्स करके कि आपको हमारा ये सत्या कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।